हेलो एवरीवन, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं हमें एक्ने के बारे में। दोस्तों, हमारी एक्ने की पूरी सीरीज़ है, आपने देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके हमारी एक्ने की पूरी सीरीज़ देख लीजिए। दोस्तों, एक्ने के किसी भी प्रकार के इलाज के बाद मैक्सिमम लोग एक्सपेक्ट करते हैं 3 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद उनको अच्छे रिजल्ट आ जाने चाहिए, उनका एक्ने कम हो जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं होता। वो क्यों नहीं होता, उसका एक रीज़न है। दोस्तों, एक्ने का एक साइकिल है, प्रॉपर साइकिल होता है। एक्ने जो आपको दिखता है वो उसी दिन शुरू नहीं होता, वो शुरू होता है उसके 3 से 4 दिन पहले। जी हाँ, शुरू का मतलब ये है कि एक्ने का जो पहला स्टेप है वो है कि आपके पोर्स बंद होते हैं, और आपके पोर्स एक बार बंद हो गए, क्लॉग हो गए, उसके बाद अंदर बैक्टीरिया बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और एक बार एक्ने की शुरुआत हो गई, आपने किसी भी प्रकार की एंटी एक्ने क्रीम ली, आप चाहे एंटीबायोटिक ले रहे हैं, चाहे एंटी एक्ने ले रहे हैं, चाहे बेंजोइल परोक्साइड हो, चाहे क्लिंडामाइसिन हो, चाहे कुछ भी हो, वो पहले दूसरे तीसरे दिन क्या होता है, जो छुपे हुए एक्ने जो बाहर आने वाले हैं वो बाहर आएंगे ही आएंगे। ये सारी दवाएं जो हैं एक्ने का साइकिल शॉर्ट कर सकती, जो आने वाले उनको ज़ीरो ख़त्म एकदम बंद नहीं कर सकती। और ये जो एक्ने का साइकिल है ये हफ्ते भर चलता है, 1 हफ्ते से ज़्यादा 2 हफ्ते तक एक एक्ने रह सकता है, और बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्ट हो जाए तो फिर अलग बात है। सो एक्ने की ट्रीटमेंट की पूरी सीरीज़ देखिए, एक्ने के स्कार्स की सीरीज़ देखिए, एक्ने के स्कार्स प्रिवेंट करने का जो तरीका है सब बताया गया है। मेन डॉक्टर एजुकेशन चैनल पे जाइए, जस्ट टाइप करिए एक्ने बाय डॉक्टर एजुकेशन, 1 से 4 एपिसोड्स हैं, सारे देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। ये बात आपको बतानी थी, एक्ने का ट्रीटमेंट क्यों काम नहीं करता, सब में करता है, आपको सब्र होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि इट टेक्स टाइम। एक्ने का कोई भी ट्रीटमेंट 3 से 4 हफ्ते नहीं 3 से 4 महीने लगते हैं उसको एक्ने प्रिवेंट करने के, चाहे आप हार्मोनल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, चाहे आप एक रूटीन फॉलो कर रहे हैं, चाहे कोई एक्चुअल कुछ और ले रहे हैं, राइट। सो मेक श्योर आप एक्ने के बारे में जानते हैं। सो इसीलिए दोस्तों एक्ने की पूरी सीरीज़ ज़रूर देखें।